नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस कर सकते हैं उम्मीदवारों की घोषणा। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भेजे चयनित नाम। उम्मीदवारी की हो सकती है फाइनल घोषणा। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने हैं उपचुनाव। बीजेपी कर चुकी है उम्मीदवारों की घोषणा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर प्रदेश की बड़ी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बताया जा रहा है कि चुनाव पर्यवेक्षक ने आला कमान को 3 लोगों के संभावित नाम भेजे हैं, जिनमें से 2 लोगों के नाम पर आज मोहर लग सकती है। तो देखिए, कांग्रेस कर सकती है अपने उम्मीदवारों की घोषणा। उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भेजे चयनित नाम। उम्मीदवारी की हो सकती है फाइनल घोषणा।